ये है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। ये लो जी आ गए हमारी हम सफर। इंजन का है भाई, बिना इंजन के चल रही है क्या? यहाँ पे धुलाई होती है कोचेस की ऑटोमेटिक। पेट्रोल खत्म हो गया इंजन में, भरवाने बीच स्टॉप पे रोक दिया। बड़ा सा डिफरेंस है एक्सप्रेस ट्रेन और इस प्रीमियम ट्रेन में, ये है कि सारा गार्ड सेक्शन है खंडाला और लोनावला के बीच। सुस्वागतम दोस्तों, दिस इज प्रिंस और मैं हाजिर हूँ एक न्यू ब्लॉग के साथ। अभी ऑन द वे जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे बहुत सारे लोग तरस रहे हैं इन दिनों जाने के लिए। हर साल तरसते हैं, बहुत मुश्किल से ये दिन आता है जब यहाँ पे जाना होता है। मुश्किल से दिन आते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं। तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स अपने गाँव राजस्थान। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी मैसूर से। हम सफ़र एक्सप्रेस में पहली बार ट्रैवल करने वाले हैं, देखते हैं कैसा है एक्सपीरियंस। ये जो ट्रेन है सिर्फ मेन स्टॉप पर रुकती है, हर जगह पर रुकती नहीं है, हर स्टेशन पर। तो सुबह जल्दी उठ चुका था क्योंकि कल रात नींद आई नहीं ठीक से, जाने का एक्साइटमेंट था। तो सुबह 4 बजे आके खुली तो फिर सोचा कि चलो ट्रेन मैसूर से स्टार्ट हो रही है तो मैसूर चले जाए, वहाँ से फिर से अपना जो है यात्रा शुरू कर लेंगे। वैसे तो बेंगलोर जाती है ट्रेन, लेकिन मैसूर से बैठ जाएंगे, देखते हैं कैसा इसका एक्सपीरियंस। वो निकली अपनी ट्रेन यार्ड से, कौन से प्लेटफॉर्म पे लगेगी वो भी अनाउंस नहीं है, पता नहीं। ये लो जी आ गए हमारी हम सफ़र, नंबर 6 पे लग रही है। अभी अभी जस्ट अनाउंस हुआ और हम आ गए। इंजन का है भाई, बिना इंजन के चल रही है क्या बात है। हेलो ब्लॉगर साहब, की हाल चाल? ये अपना कोच है भाई V13। ऑन टाइम डिपार्चर फ्रॉम मैसूर। मंडिया के बाद स्टॉप है बेंगलोर, उसके बीच में बहुत सारे स्टॉप आते हैं लेकिन कहीं पर रुकती नहीं है, बाकी गाड़ियाँ रुकती है। ये वाली सी बड़े बड़े स्टेशन पे रुकती है। ओहो क्या बात है, ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट। यहाँ पे धुलाई होती है कोचेस की ऑटोमेटिक। गया पहला स्टॉप मंडिया। यहाँ पे हो रही है ओवरटेकिंग ट्रेन पटना पे। ये मुझे लगता है पैसेंजर ट्रेन है जिसको ओवरटेक करके आगे बढ़ रहे हैं हम।
आने वाली है अपनी सिटी बेंगलुरु। तो बेंगलुरु पहुंच के थोड़ा कुछ खा लेंगे, खाने के बाद जाके सो जाएंगे बढ़िया से। उसके बाद अगला स्टॉप सीधा 4 बजे के बाद है दावणगेरे, तो 2 बजे के बाद तब के चाय पी लेंगे, तब तक नींद मार लेंगे। ढाई बजे और हम पहुंचे हैं अरसीकेरे। यहाँ पे कैसे रोक दिया भाई, यहाँ पे तो स्टॉप ही नहीं है। क्या किया पांडे जी, ऐसा तो नहीं हो कि पेट्रोल खत्म हो गया इंजन में कि भरवाने बीच ही स्टॉप पे रोक दिया। सिग्नल भी लाल है। इस स्टेशन पे इडली वड़े बेचने वालों की बहुत लंबी लाइन लगती है। लग गया भाई सिग्नल। एक बड़ा सा डिफरेंस है एक्सप्रेस ट्रेन और इस प्रीमियम ट्रेन में, ये है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो हर जगह रुका करती है, तो हमको खाने पीने के लिए बहुत सारी वैरायटी मिलती रहती है, जैसे मसालेदार चीज़ें होगी, भेलपूरी वगैरह होगी। लेकिन प्रीमियम ट्रेन जो है उसके स्टॉप लिमिटेड है, तो अंदर वेंडर जो है चढ़ नहीं पाते, तो इसी वजह से कैंटीन के भरोसे रहना पड़ता है। जो भी कैंटीन में मिलता है वो, या फिर स्टेशन का इंतज़ार करना पड़ता है, जहाँ पर स्टेशन जो भी आ रहा है वहाँ पर जो अवेलेबल है वो फ्रूट्स वगैरह जो हो गए वो सब हमें ट्रेन के अंदर मिलना मुश्किल है। चिको का खाए हमने बोले का खाए दिए वो का है स्ट्रॉबेरी का है स्ट्रॉबेरी का है स्ट्रॉबेरी आनी पूछिए धन्नी पूछियो का खाए दिए स्ट्रॉबेरी। ये जो दावणगेरे और हुबली का रूट है, यहाँ पे सारी जगह पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चल रहा है, तो कई महीनों से यहाँ पे कई सारी ट्रेनें डाइवर्ट हो रही है, कुछ ट्रेनें कैंसिल हो चुकी थी। हमारी ट्रेन को भी आज काफ़ी टाइम से लाल सिग्नल मिल रहा है, प्रोसीडिंग थोड़ी स्लो है, शायद आगे कोई ट्रेन है जो स्लो जा रही है या फिर काम चल रहा है, कुछ तो है। ये है दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली पे। ये प्लेटफॉर्म देखना कितना लंबा जाएगा।
हुबली है और कोई स्टेशन है? हुबली हुबली दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो लंबा प्लेटफॉर्म है दुनिया में सबसे लंबा यही है। क्या बात कर रहा है इसे एग्जैक्टली ट्रेन चल रही है ऑन टाइम, 8 बजे का शेड्यूल है और हम पहुंच चुके हैं हुबली। बहुत ही खूबसूरत ये प्लेटफॉर्म है, ये स्टेशन है। यहाँ से ले लिया है डिनर, हमको इडली मिल गई, राइस मिल गया, थाली तो सिर्फ लगाया हुआ है लेकिन मिलेगा नहीं, राइस मिल जाएगा, इडली मिल गई। वेलकम टू डे 2। सुबह के 5:15 है और हमारी तो सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। सतारा स्टेशन आने वाला है लेकिन स्टॉप है नहीं। यहाँ से सनराइज़ का मज़ा लेंगे वाइड स्क्रीन में, बहुत ही बड़ी स्क्रीन है तो इसी स्क्रीन से सनराइज़ का मज़ा लेंगे। तब तक के लिए बैठे, नींद तो आएगी नहीं अब। सतारा स्टेशन को स्किप करते हुए सुबह की दौड़ लगा रही है अपनी शेरनी। ऑलमोस्ट पहुंच गए पुणे, शायद प्लेटफॉर्म खाली होने के लिए वेट कर रही है गाड़ी। ये जो भी यहाँ से खाली ट्रेन निकली है ये यार्ड की तरफ जा रही है पुणे जम्मू तवी, इसके बाद अपना नंबर लगने वाला है। वसई रोड, इससे पहले जो भी स्टेशन आएंगे खंडाला लोनावला वगैरह सब स्किप होने वाले हैं, सीधा नेक्स्ट स्टॉप वसई रोड है। पुणे
से निकले 8:20 को, उसके बाद लोनावला से होते हुए सीधा अगला स्टॉप है वसई रोड। उससे पहले खंडाला पे भी स्टॉप नहीं है, गर्जर पे भी स्टॉप नहीं है, सीधा वसई रोड पहुंचेंगे 12 बजे के आसपास। सारा गार्ड सेक्शन है खंडाला और लोनावला के बीच। कल्याण भी स्किप होने वाला है, बहुत बड़ा स्टेशन है। एंट्री कर में आके इसके आनंद ले रहे हैं। भूख तो बड़ी ज़ोर से लगी थी, सूरत तक इंतज़ार किया कि सूरत में कुछ खाने पीने के लिए मिलेगा, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा लोग चढ़े नहीं खाने पीने के लिए, सिर्फ चाय आई थी, चाय पी ली थी और मतलब ठीक है। फिर अभी पेंट्री कार में आके ये ले लिया है, यहाँ पर खाने में कुछ है नहीं। और अगला स्टॉप अपना है वडोदरा, तो वडोदरा पर हम उतरने वाले हैं क्योंकि ये ट्रेन का रूट अब डाइवर्ट होने वाला है रतलाम से लेके उदयपुर तक, और हमारा जो रूट है वो है अहमदाबाद से लेके जालौर तक जाना है, तो वहाँ से ट्रेन चेंज होगी, अगली ट्रेन शाम को है। तो इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे ये जर्नी बहुत मज़ेदार लगी, बहुत अच्छा लगा। इसकी एवरेज स्पीड काफ़ी बढ़िया है, कोई भी स्टेशन में बिल्कुल डिले नहीं हुआ, टाइम टू टाइम जो भी स्टेशन है वहाँ पर रीच होती गई और चलती गई। बहुत अच्छी जर्नी लगी मुझे इस ट्रेन में, आई होप आपको भी मज़ा आया होगा वीडियो में। जो ट्रेन भी पार्ट अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना कोई भी पार्ट अच्छा लगा, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी ऐसी बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।